हेलो फ्रेंड्स, मिसेस की किचन में आपका फिर से स्वागत है। चलो फिर कुछ नया हो जाए। चलो आज हम बनाएंगे साबूदाना के और आलू के बड़े। देखिए फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी है। और वैसे भी देखिए, सावन का महीना चला हुआ है तो इसमें कुछ लोग जो व्रत रहते हैं उनसे मीठा नहीं रहा जाता किसी कारणवश, तो वो नमकीन खा के भी रख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने लिया है थोड़ा सा साबूदाना। इसको मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था। इस तरीके से ये हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें लिए हैं मैंने 2 मीडियम साइज के आलू जो मैंने बॉयल कर लिए हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब इनको हम अच्छे से मैच करते हैं साबूदाना के अंदर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा अच्छे से इसमें आलू हमारा मैच हो गया है। अब इसमें हम देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने थोड़ा सा धनिया पत्ता और कड़ी पत्ता लिया है, ये मैंने इसमें डाल दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से इसको इसमें डाल देना है। और एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली, आप अपने अनुसार डाल सकते हैं कम या ज़्यादा। मैंने इस तरीके से डाल दिया है। थोड़ा सा हम इसमें गरम मसाला डालेंगे, बहुत थोड़ा सा डाल दिया है मैंने। थोड़ा सा डालेंगे हम मिर्च पाउडर, ये भी डाल दिया है फ्रेंड्स। और थोड़ा सा डालेंगे हींग। हींग भी डाल दिया है फ्रेंड्स। अब चलिए इसे हम मैच करेंगे इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से मैच करेंगे इसको। और इसमें हम अब सेंधा नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अनुसार। फ्रेंड्स देखिए, इसमें हम सेंधा नमक का ऐड कर रहे हैं। सेंधा नमक डाल दिया हमने। और इसको अब इस तरीके से मैच कर लेते हैं अच्छे से। इसको मैच करते हैं। इसमें हम अपना ऑयल भी गर्म कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं लोहे की कढ़ाई का यूज़ कर रही हूँ। आप जैसी भी कढ़ाई हो वैसा यूज कर सकते हैं, क्योंकि लोहे का खाना ज़्यादा हेल्दी मानते हैं, इसलिए मैं हमेशा लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, देखिए इस तरीके से अच्छे से हमारा ये पेस्ट एक डो बन गया है। तेल हमारा गरम हो रहा है। इतने हम इस डो के बड़े बना के रख लेते हैं फ्रेंड्स। इस तरीके से ऐसे करेंगे इसको गोल गोल, और फिर इस हाथ से ऐसे दबा देंगे, और फिर इसमें एक हम होल करेंगे। इस होल की वजह से फ्रेंड्स ये अच्छे से सिक जाता है। अब देखना, इस बड़े का बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है। आप घी में भी तल सकते हो, रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हो, ऑप्शन है आपके पास। सरसों के ऑयल में भी बना सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से तेल हमारा गर्म हो रहा है। ऐसे हम सारे बड़ों को बना के तैयार करते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ऑयल हमारा गर्म हो गया है। इसमें हम एक बड़ा डालते हैं। सारे दो का हम इस तरह से बड़ों का बड़ा बना लेंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इसमें इस तरह से होल करना है। और अब हमने मीडियम फ्लेम पर सेक कर दिया। Gracias.
मिक्सर ब्राउन होते हैं। और सारे बड़े भी इस तरीके से बनाते जाएंगे। फ्रेंड्स ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं, एकदम सिंपल से हम बड़े बना रहे हैं, साबूदाना और आलू का बड़ा। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारी ब्राउन मटर कितनी तली हुई है, देखिए कितने अच्छे से क्रिस्पी क्रिस्पी हमारे बड़े बनकर साबूदाना तैयार हो रहे हैं, आप देख ही रहे होंगे। चलो हम सारे बड़े बनाकर इस प्लेट में निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। मीडियम फ्लेम पर ही आपको तलना है, बिल्कुल स्लो स्लो पर। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे कितने अच्छे से बड़े साबूदाने के बनकर तैयार हो रहे हैं। हमने अपने सारे बड़े इस तरह से प्लेट में निकाल लिए हैं, आप इन्हें देख ही रहे होंगे कितने एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी पर हमारे ये बनकर तैयार हुए हैं बड़े। फास्ट में आप किसी भी फास्ट में खा सकते हैं साबूदाना और आलू के बड़े। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।